हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, मात्राओं के सीखने के क्रम में आज मैम आपको एक नई मात्रा सिखाने वाली है। वह है री की मात्रा। कौन सी मात्रा है ये? री की मात्रा। जब हम इसका उच्चारण करेंगे, जब ये मात्रा व्यंजनों के साथ लगती है तो इनका उच्चारण कैसे निकलता है? जैसे क के नीचे हम री की मात्रा लगाएंगे। सबसे पहली बात बच्चों, ये री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? व्यंजनों के नीचे। तो जैसे हम क पर अगर इस री की मात्रा को लगाएंगे तो इसका उच्चारण निकलेगा क्री। ख पर लगाएंगे तो ख्री। ग पर लगेगी तो ग्री। और एक बात और ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो कहीं जगह पर र का साउंड आएगा और कहीं जगह पर री का साउंड आएगा। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए, टेक आउट योर स्वर संसार बुक एंड ओपन पेज नंबर 4949 और सबसे ऊपर लिखेंगे दिनांक और कक्षा कार्य। तो चलिए हम शुरू करते हैं री की मात्रा से संबंधित इन शब्दों को पढ़ना, और पढ़ते समय अपनी फिंगर को शब्दों के नीचे रखते हुए पढ़ेंगे। ये क्या है बच्चों? री। इसको हम क्या बोलेंगे? री। और श पर छोटी की मात्रा शी। तो क्या बन गया ये? ऋषि। क्या शब्द बना ये? ऋषि। व के नीचे हम लगाएंगे री की मात्रा। कौन सी मात्रा? री की मात्रा। तो जब व पर री की मात्रा लगेगी व के साथ में तो इसको बोलेंगे व्री। और ये क्या है? श। तो दोनों मिलकर क्या बन गए? वृक्ष। क्या बोलेंगे इसको? वृक्ष। ग, ग में री की मात्रा लगी तो ग्री। ह, गृह। क्या बोलेंगे इसको? गृह। म, म में री की मात्रा मृ। ग, मृग। क्या बोलेंगे इसको? मृग। त, त में री की मात्रा और फिर है ण, तो इसको हम पढ़ेंगे तृण। क्या बोलेंगे इसको? तृण। व, व में री की मात्रा फिर श और भ। अब इसको जोड़कर पढ़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे वृषभ। क्या बोलेंगे? वृषभ। वृषभ किसको बोलते हैं? बैल को। तो ये क्या है? वृषभ। क, क में री की मात्रा क्री श क। लेकिन जब हम इसे एक साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे कृषक। किसान। किसान को हम बोलते हैं कृषक। क, क में री की मात्रा आदर्श और ऋण, तो इसको जोड़कर हम पढ़ेंगे कृष्ण। क्या बोलेंगे इसको? कृष्ण। क, क में री की मात्रा क्री पा ण कृपाण। क्या बोलते हैं इसको? कृपाण। कृपाण किसको बोलते हैं? तलवार को। म, म में री की मात्रा मृ। द में अंग की मात्रा दंग मृदंग। क्या बोलेंगे इसको? मृदंग। प, प में री की मात्रा फिर ये आधा थ है और व में बड़ी की मात्रा वी, तो इसको पूरा जोड़कर पढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे? पृथ्वी। क्या पढ़ेंगे इसको? पृथ्वी। घ, घ में री की मात्रा घृत घृत। क्या बोलेंगे इसको? घृत। द, द में री की मात्रा द्री ग दृग। म, म में आ की मात्रा मा और त में री की मात्रा, तो इसको हम पढ़ेंगे मात्र। क्या पढ़ेंगे इसको? मात्र। अ, म में री की मात्रा और फिर त अमृत। स, स में री की मात्रा स्र ज न सृजन। क, क में री की मात्रा क्री। क्या बोलेंगे इसको? क में री की मात्रा क्र प ण कृपण। और जब हम कृपाण लिखा होगा तब हम इसको पढ़ेंगे कृपाण और यहां पर पढ़ेंगे हम कृपण। क, क में री की मात्रा कृपालु कृपालु। क, क में री की मात्रा कृपा और जब हम दोनों को एक साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? कृपा। म, म में री की मात्रा और फिर दा मृदा। क्या बोलेंगे इसको? मृदा।
नाउ बच्चों ओपन पेज नंबर 5050 और यहाँ पर भी ऊपर लिखेंगे दिनांक और कक्षा कार्य। तो पेज नंबर 5050 पर भी हम पढ़ेंगे री की मात्रा से संबंधित शब्दों को। क, क मेरी की मात्रा, क्री शी कृषि, घ, घ मेरी की मात्रा और ना घृणा, क, क मेरी की मात्रा, फिर प या कृपया, क्या बोलेंगे इसको कृपया, स, स मेरी की मात्रा, फिर ज न सृजन, व, व मेरी की मात्रा, ह द वृहद, आ, क मेरी की मात्रा और त में छोटी की मात्रा, तो इसको बोलेंगे आकृति, क्या बोलेंगे इसको आकृति। ओके नाउ नेक्स्ट प, प मेरी की मात्रा, फिर थ क पृथक, अ, म मेरी की मात्रा और त, इसको हम बोलेंगे अमृत, क, क मेरी की मात्रा, त ज्ञ कृतज्ञ। चलिए बच्चों अब हम वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। यस, क, क मेरी की मात्रा, कृपा कृपा कर, त, त मेरी की मात्रा, तृण तृण, म में री की मात्रा और ग मृग, का खाना खाना खा, क, क मेरी की मात्रा, कृषक कृषक आ, व, व मेरी की मात्रा, वृक्ष वृक्ष लगा, स, स मेरी की मात्रा, स ज न सृजन कर, म, म मेरी की मात्रा, फिर दुल मृदुल, क्या बोलेंगे इसको मृदुल बन, किसी से, घ, घ मेरी की मात्रा और ना घृणा मत कर, अमृत अमृत, क, क मेरी की मात्रा, कृपाण कृपाण ला, प, प मेरी की मात्रा, पृथक पृथक मत रह। नाउ नेक्स्ट ग, ग मेरी की मात्रा, गृह गृह का, स, ब, सब काम कर, मा, त मेरी की मात्रा, त्र मात्र, पित्र पित्र की, सेवा सेवा कर, म, म मेरी की मात्रा, मृग मृग के, लिए लिए, त, त मेरी की मात्रा, तृण तृण ला, ऋषि ऋषि की, कुटिया कुटिया पर जा। तो चलिए बच्चों एक बार हम इन्हें फिर से पढ़ने का अभ्यास करते हैं। यस, ऋषि वृक्ष, ग्रह मृग, तृण वृषभ, कृषक कृष्ण, कृपाण मृदंग, पृथ्वी घृत, दृग मात्र, अमृत सृजन, कृपण कृपालु, कृपा मृदा। नाउ नेक्स्ट कृषि घृणा कृपया सृजन वृहद, आकृति पृथक अमृत कृतज्ञ। अब वाक्यों को पढ़ते हैं। कृपा कर, तृण मृग का खाना खा, कृषक आ, वृक्ष
लगा, सृजन कर, मृदुल बन, किसी से घृणा मत कर, अमृत कृपाण ला, पृथक मत रह, ग्रह का सब काम कर, मात्र पितृ की सेवा कर, मृग के लिए तृण ला, ऋषि की कुटिया पर जा। ओके, सो किड्स, आपको अपनी स्वर संसार बुक के पेज नंबर 4949 और 5050 पर जो री की मात्रा से संबंधित शब्द और वाक्य दिए गए हैं उन्हें इसी तरह से आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।